4 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली हम अपने बिग जू पहुंच चुके हैं। मैं तो प्लीज हमारे दिलबर को कुछ हो गया। क्या हो गया? देख तो सही यार, देख तो सही। ओ दिलबर को कुछ हो गया यार, वो सोया पड़ा, वो देखो। नहीं यार कुछ हो गया। ओ खड़ा हो गया दिलबर। तूने हमें डरा दिया था आते साथ। ओए मेरा दिलबर, हाय तेरे कुछ होने से पहले मुझे ही कुछ हो जाएगा यार, तूने तो मुझे डरा दिया यार। ये वैसे लेटा हुआ था। और दोस्तों खुशी की बात ये है, माली भाई आ चुके हैं। हम आए नहीं है लेकिन ये पहले आ गए। इन्होंने ना बिग जू का काम भी स्टार्ट कर लिया। वो वाला सीधा कर लिया प्लॉट? आओ जी। घास कब लगा रहे हो फिर? हफ्ते वाले दिन। क्या बात है। बस मुझे एक बात बताओ, अगर हम आप घास लगा दोगे, लाइन आ रहा है हमारा, वो खराब तो नहीं करेगा? खराब नहीं होगा। बस सही है, सही है। अच्छा भाई लाइन से पहले एक और चीज आ रही है, उसको भी पिक करने जाएंगे, वो भी डेंजरस है। आप दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप करो, मैं बड़ा ही ले आऊंगा। बस यार कर दो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। देखो घास लग रही है, एक और आज डेंजरस चीज आ रही है, लाइन डेंजरस आ रहा है। लाइन आने से पहले ना एक मेरा बहुत ही करीबी और मेरा दिल वाला पेट आ रहा है कराची से, बल्कि आ भी गया होगा, स्टेशन पे चलते हैं, उसको पिक करके आते हैं। यार वो क्या चीज है बता तो दो हमें, आप नहीं बता रहे। भाई मैंने बता दिया सरप्राइज किस चीज का, इतने दिनों से उस पेट के पीछे लगा हुआ हूँ ना, फाइनली वो मिल चुका, बल्कि आ भी गया हमारे पास, अभी पिक करने चल रहे हैं। बता भी दो यार, पहले सफर करके थका खड़ा हूँ यार, नींद भी नहीं आएगी मुझे। नहीं, मैं नहीं बताने वाला। तो यार अभी हम स्टेशन पे जा रहे हैं, वहाँ जो हमारा पार्सल आया ना कराची से, उसको लेने। आई थिंक यही हमारा पार्सल आया हुआ होगा। ओ उधर देखो 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 देखो, कराची से आया ना बहुत दूर से, तो उसको जल्दी निकालना भी पड़ेगा यार। यार चलो मैं तो देखूं क्या चीज है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए। चलो बस वहाँ जितना मर्जी बोले, मैंने नहीं दिखाना आपको, नहीं दिखाना सुबह। चलो फिर ठीक है। तो भाई हमने अपना ना पार्सल रिसीव कर लिया। क्या हुआ? ओ यार ये बड़ा वजनी है यार, इसमें ऐसी कौन सी चीज आई है सुबह जो वजनी होगी? मुर्गी आई होगी यार, 4-5 किलो की। मुर्गी तो होती नहीं है 4-5 किलो की, इसमें भाई ऐसी चीज है जो आपके भाई को बहुत पसंद है, तो सुबह ही अनबॉक्स करेंगे ठीक है? हाँ चलो यार चलो। तो भाई सुबह हो चुकी है, जैसे ही मैं रात को घर आया था ना, मैं किसी पेट से भी नहीं मिला, अभी साथ मिलते हैं जाके। मुझे लगता है सुभान भी आ गया, इसको मैंने घास लेने भेजा था। आ जा सुभान। हाँ यार मैं जल्दी से जल्दी घास ले आया हूँ, मैं डालता हूँ, फिर आप मुझे वो दिखाओ, मुझे रात को नींद ही नहीं आई। क्या चीज दिखाऊं यार? वो जो डब्बे में आया है पता नहीं क्या चीज है। ये वाला डब्बे में? हाँ यार एक प्रॉब्लम हो गई है सुभान। क्या? दोस्तों मामू ना आज नहीं आएंगे, उनको मैंने किसी काम से भेजा है आउट ऑफ सिटी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं आपको कल बताऊंगा वो किस काम से गए हैं। अगर वो काम हो जाता है ना, मैं क्या बताऊं यार, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, ऐसा काम है वो। अच्छा यार अब मुझे ये तो बताओ इसका क्या करना है? यार मामू नहीं है ना, वो आ जाए उनके साथ खोलेंगे इस बॉक्स को। यार फिर आप एक दिन इंतजार करवा रहे हो हमसे। यार थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना दोस्तों, मामू नहीं है। हर हाल इसमें वो चीज है यार, जो आप देख के ना एक दफा तो हैरान हो जाओगे, वो चीज है। सबसे पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ, सब पेट से मिलता हूँ। ये देखो इसके काम, यार बबली के काम देखो, सारा का सारा ना डाइट वाला बोरा गिरा दिया। लो ये लो सब, वैसे मुझे तो लग रहा है ये मेरा इंतजार ही कर रहे थे। ये लो हाथ से खा लो, मेरे पेट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे हाथ से खाते हैं। जहाँ मैं गया हुआ था ना वो डर रहे थे वो पेट्स। क्या हुआ सुभान? क्या हुआ? क्या हुआ यार? उल्लू। क्या उल्लू? वो देखो एक्सपायर हो गया। ओ भाई साहब हमारा दोस्तों आउल एक्सपायर हुआ पड़ा है, क्या हुआ होगा इसको? सही तो था यार, इसने कल अपनी डाइट पूरी खाई है, दूध पिया है, दूध भी पीता था और पानी भी पिया है यार, पता नहीं अब क्या हो गया। अन बाकी पेट्स को चेक कर जल्दी कर, सही है ना सारे? ओ कोको तुम कैसे हो, ठीक हो? मुझे कोको की बहुत याद आती है यार, मैं कहीं भी जाऊँ ना। ओ बंटी, तुम बंटी तो बड़ा शरारती है मुझे पता। अच्छा अच्छा निकालते हैं भाई तुम्हें, अच्छा निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने आउल को बाहर निकाल के देखते हैं इसको क्या हुआ था। अच्छा सुभान आप बताओ यार इसको क्या हुआ है? पता नहीं यार, ये सही तो था, अच्छा भला था, खा पी रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसे। होए होए यार ये ना बहुत अच्छा था, मतलब बहुत खूबसूरत था और हैंड टेम भी था। हाँ इसे हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा था। अब इसको क्या करें सुभान? दफना देते हैं, है ना? मुझे तो लगता है कोई बीमारी आई है। क्या कर रहे हो तुम? ओ यार बंटी बंटी ना छेड़ा करो कोको को, यार सुभान बंटी को बंद कर दे, बेचारे कोको मासूम को मारता रहता है, देखो कितना मासूम है कोको। मैंने जल्दी से चुनू और मुन्नू और उसकी माँ को घास डाल दी,
अब ये थोड़ी सी जो मेरे हाथ में है ना, ये मैं डालने वाला हूँ सिम्बा को, उसके बाद हम आउल को जाके दफना आएंगे। यार ये बड़ा प्यारा था यार, ये तो अब चला गया है। मुझे खुद भी यकीन करो बहुत प्यारा लगता था। मामू आएंगे वो तो रोने ही लग जाएंगे, उनको बताना नहीं है ठीक है। हाँ हाँ चुप चुप, पहले भी वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं चीजों की वजह से। तो बंटी को मैं क्या बोलूँ, ये देखो इसके काम देख रहे हो। ओए बंटी छोड़ इसको, ये तेरा नहीं है। वो जो कोको भी आ गया, ओए कोको, अब ये आपस में लड़ने लग जाएंगे भाई, इनका यही काम है पूरा दिन। सिम्बा मेरे हाथ से खाओ, नखरे करने लग गए हो तुम आजकल। खा रहा भाई खा रहा है। दोस्तों अपने आउल को ना अब जल्दी से ना मैं सुभान को दे रहा हूँ, और ये उसको दफना आएगा, और मैं ऐसा करता हूँ आपको पैरट से मिलवाता हूँ जो हम ले आए हैं। अच्छा यार मैं इसे दफना के आ रहा हूँ, बहुत ही यार अफसोस हो रहा है यार, बहुत ज्यादा टेम था ये, हमारे साथ क्लोज भी था, आप देखो यार छोड़ के चला गया हमें। अरे कैट बेबी ना बहुत ज्यादा एक्टिव और घूमने फिरने भी लग गए हैं, तुम्हारी माँ की जरा तुम्हें छोड़ के चली जाती है वो है, तो और तुम्हारे दोस्त किधर है ये देखो। ओए हर जगह यार बंटी पहुंच जाता है, नो बंटी नो, हर जगह तंग करने मुझे पहुंच जाता है। चलो अपने दोस्तों के पास रहो आप ठीक है। उठा आ जा भाई आ जा, इसको भी बंटी के साथ बंद कर दे। हाँ जब उसे उठाओ ना इतना शरीफ बन जाता है जैसे। हाँ कितना शरीफ लग रहा है, लेकिन जब इसको छोड़ो ना ये बड़े काम दिखाता है, वैसे क्यूट बहुत है ना। हम दोस्तों जहाँ गए थे ना वहाँ से अपने हील के लिए ना पार्टनर ले आए थे, जो कि आपने कल देखा था वो है बड़ा ये। जल्दी से जल्दी मिलवाओ ना इसे हील से। हाँ हाँ मिलवाते हैं, वो भी इंतजार कर रही है कब आएगा और मेरे से मिलेगा। ओ भाई क्या हो रहा है तुझे, निकालते हैं ये भी कह रहा है मुझे जल्दी निकालो। चैन है ना, वो मिले तो सही अपनी नई पार्टनर से। आ जा। दोस्तों हम ना सुपर केज में आ गए हैं और वलीद भाई ना उसे मिलवा रहे हैं, मिलवा दो यार उसे मिलवा दो। बस मिलवाते हैं, देखते हैं क्या इनका रिएक्शन है। हाँ ये देखो हीर, फ्रेंडशिप कर लेंगे वो। ओ गया वो, दे ये कहाँ गया, मुझे लगता है हीर ने मार के भगा दिया इसको, लिफ्ट ही नहीं करा रही हीर भाई। हीर को पहले वाला रांझा ही पसंद था, ये वाला नहीं है मुझे लगता है। फिर तुमने क्यों मारा उसको, ओए मुझे भी मार रही है, मुझे लगता है नाराज है। ये बोल रही है तुम मेरे लिए वो वाला रांझा नहीं लेके आए ना इसी वजह से। यार मैं अपने सब पेट से मिलता हूँ लेकिन हर दफा ना इनसे भूल जाता हूँ। हाँ भाई फीजेंट्स कैसे हो तुम, ठीक हो? ये अपने एंजॉय में रहते हैं इस केज में अकेले अकेले। दोस्तों चुन्नू पे ना मेरी अभी नजर पड़ी है, ये तो बहुत बीमार है। सुभान इधर आ यार, इसको देखना कितना कमजोर हो गया ये। यार इसे तो बुखार है बहुत ज्यादा। ओए यार इसको कुछ हो ना जाए, मैं ऐसा करता हूँ बिगजू जा रहा हूँ ना, इसको ना फार्म, जो हमारा फार्म है जहाँ भैंसे वगैरह होती है उनको दे देता हूँ, वो सही करेंगे ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। आज दोस्तों हमारा आउल तो मर गया, मेरा तो दिल है शिकरे को मैं आजाद कर दूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। ओए नहीं सुभान क्यों देख रहा सरप्राइज बॉक्स यार, मैं बेचैन हो रहा हूँ देखने के लिए, आप दिखा रहे नहीं हो, बस मुझे दिखा दो। ओ नहीं ओ यार सुभान के काम देख रहे हो, मामू के आने तक का वेट करो यार। अच्छा हाँ वो बोलेंगे, मैंने उनको खुद ही किसी जरूरी काम से भेजा है ना। चलो ठीक है मैं फिर कल तक वेट करूंगा। कल तक नहीं, हाँ कल। मैं दोस्तों आपको बता रहा था शिकरे को हम आजाद करते हैं, सुबह निकाल इसको बिगजू आजाद कर देंगे ठीक है। ठीक है उस तरफ थोड़े जंगल वगैरह है ना, ये इंजॉय करेगा घूमेगा फिरेगा। दोस्तों अब हम अपने फार्म पे पहुंच चुके हैं, चुन्नू को भी साथ लेते हैं, चुन्नू को दवाई भी खिलाएंगे और इसको दूध पिलाना है, फिर उम्मीद है सही हो जाएगा ये। वैसे मुझे पहले से तो एक्टिव नजर आ रहा है ना यार, एक्टिव है और ये दवाई दी है उन्होंने। अच्छा कह रहे हैं इसको पिलाओ, यहाँ चारा शारा खा रहा है दवाई खाने के बाद। हम अब ऐसा करते हैं बिगजू चलते हैं, दिलबर से मिलते हैं, उसके लिए हम घास भी ले आए हैं। दोस्तों मुझे तो याद ही नहीं था शिकरा हमारे हाथ में है, इसको भी आजाद करना है। सुभान मैं तो कहता हूँ बिगजू में इसको आजाद करते हैं। हाँ दिलबर से मिलवा के फिर इसे आजाद कर, इसको कहाँ मिलवाएंगे दिलबर से, बकरी थोड़ी है। थोड़ा सा तो मिलवाए, नहीं भाई पहली चीज होगी जो हम अपने बिगजू में आजाद करेंगे, पहले कभी भी नहीं की। चल भाई तू आजाद होने के लिए तैयार है? दोस्तों दिलबर हमारे पास आया खड़ा, ये देखो जैसे ही अंदर आया ना इस्तकबाल करने के लिए खड़ा था भाई। आप तो इसे आजाद कर दो, बस करते हैं यार। ठीक है अब पहली चीज हम अपने बिगजू में आजाद करने वाले हैं, सुभान इस तरफ आजाद करते हैं। ठीक है इधर सही है, क्योंकि यहाँ जंगल है ना, ये जंगलों में जाके रहेगा घूमेगा फिरेगा इजी हो जाएगा, इसको अपनी पार्टनर भी मिल जाएगी वहीं। आपको पहले पता है हाँ ना। चलो 1 2 3 हाँ दिलबर को ना छेड़ यार, ज्यादा फ्रेंडली हो गया सुभान ना, दिलबर को छेड़ता रहता है। ओए 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 वैसे बहुत फ्रेंडली हो गया, आज हमारे साथ खेल भी रहा आप देखो तो यार। सुभान माली नहीं आया? नहीं यार पता नहीं, उसको फोन किया है वो कह रहा है मैं ना थोड़ी देर तक आऊंगा।
दोस्तों हमारा जो माली है ना वो मगरिब के बाद काम करता है, मतलब शाम हो जाती है उसके बाद आता है और अपना काम शुरू करता है। देखो और उसने घास लगा देनी थी लेकिन नहीं लगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज। कल वो सरप्राइज बॉक्स भी खोलना है और आपको एक और भी बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, वो तो बल्कि मामू जब आ जाएंगे ना वो देंगे।